हमारे साथी कॉर्पोरेटर आरिफ भाई साहब, जफर भाई साहब, मैं ये खुशी का मौका है कि यहाँ पर हम आरोग्य शिखर में और जो लेबोरेटरी लाइन में जो लोग हैं उनके मेडिकल बेनिफिट्स को आगे बढ़ा रहे हैं। मगर मैं ये भी उम्मीद रखता हूँ कि यहाँ पर जो लोग इसमें कवर्ड होंगे वो करीबन 1617 ट्रीटमेंट जिसमें कवर होंगे। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि सबसे पहले जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नुमाइंदगी करेगी वो ये करेगी कि एक ज़माने से वाइट राशन कार्ड्स बंद है और कई ऐसे फैमिलीज हैं जो ये वाइट राशन कार्ड के एलिजिबल हैं जिनको अभी तक एलिजिबिलिटी नहीं मिल रही है और जो लोग परेशान हैं अपने आरोग्य ट्रीटमेंट में आने के लिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम बराबर इस तौर पर बात करेंगे क्योंकि जो वाइट कार्ड्स अभी भी मौजूद है और कई लोगों को वाइट कार्ड्स मिलना अभी बाकी है क्योंकि एक असरा हो गया है, एक वक्त बहुत बड़ा वक्त हो गया कि वाइट राशन कार्ड्स बंद हो चुके हैं। चाहे वो पहली हुकूमत हो या ये हुकूमत हो, हमें कई लोगों को और इसमें लाना है। कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी वाइट राशन कार्ड के एलिजिबल है मगर उनको नहीं मिला है ऑनलाइन में बंद होने की वजह से। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो एलिजिबल है उनको वाइट राशन कार्ड दिलाए, हुकूमत की तरफ से ये खोला जाए और कई लोगों को ये जो सहूलत हुकूमत देना चाह रही है वो कई लोगों को मिले और ज़रूरतमंद लोगों को इससे फ़ायदा हो। पर ये भी मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैं यहाँ नीलोफर हॉस्पिटल में ठहरे हुआ हूँ और मैं पहली बार यहाँ पर बहसत MLA यहाँ पर आया हूँ। मगर मैंने आपकी तमाम क्या काम देखा है, कारकर्दगी देखी है, आप लोग जिस तरीके से जस्तजु करते हैं, मेहनत करते हैं, कई गरीब लोग यहाँ से फ़ायदा उठाते हैं, कई गरीब लोगों के घर में जो छोटे बच्चे जो बीमार होते हैं उनको आप ज़िंदगी देते हैं, उनको आप इलाज कराते हैं और आप लोग दिन और रात मेहनत करते हैं। मैं आपसे बहसत MLA ये अपील करने आया हूँ कि हमें ये कोशिश को और बढ़ाना है, हमें और कोशिश करना है कि हम गरीबों की हिम्मत बन सकें, हमें और कोशिश करना है कि हम जो हमारे पास इलाज को आए उनको और बेहतर तरीके से हम उनको रिस्पॉन्स दे सकें। बेशक मैं जानता हूँ कि आप लोगों के ऊपर वर्क प्रेशर भी बहुत है, पेशेंट ज़्यादा है, स्टाफ की कमी भी हो सकती है, डॉक्टर्स की भी कमी हो सकती है, डॉक्टर्स भी बराबर हो सकते हैं, आप लोगों को भी पेरेंट्स के जो जज्बात होते हैं उनको फेस करना पड़ता है और वो जज्बात के पीछे उनके हाथ के गोद की औलाद है और वो औलाद बहुत इंपॉर्टेंट होती है कोई भी गरीब के लिए। मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने हमेशा लोगों की खिदमत की, मेहनत की और बहुत सारे लोगों के घर में खुशियाँ लाई। मैं उम्मीद ये करता हूँ कि हम आगे भी यही काम करेंगे। मैं सुप्रीमेंडेंट मैडम और तमाम हेड डिपार्टमेंट को मेरे तरफ से ये मुतमईनी दिलाता हूँ कि अगर आपको मेरे तरफ से किसी भी किस्म का रिप्रेजेंटेशन है या हॉस्पिटल की सहूलत बढ़ाने के लिए और जो भी इकदाम करना है आप मेरे सामने लाइए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं पूरी जोर शोर से उस पर काम करेंगे और इस हॉस्पिटल को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई एम्प्लॉयज़ के भी कोई मसाइल है तो वो भी आप मेरे सामने लाएँ। मैं आपका भी MLA हूँ, आपके लिए भी मेहनत करूँगा। अगर आपकी भी कोई तकलीफ बात है वो मेरे सामने रखिए, मैं आपके घर का हूँ और आपके साथ रहकर ही काम करूँगा। और मैं कोशिश ये करूँगा कि नीलोफर में हम जब लोग आए और ख़ास तौर से जब हमारे जिम्मेदारान जो रहते हैं वो लोग लेकर आए तो उनको भी इमीडिएट रिस्पॉन्स मिल सके और आप जिस तरीके से काम करते हैं उसको और बेहतर कर सके। मैं यहाँ पे फिर से RDO साहब का, MRO मैडम का, सुप्रीडेंट साहब का, DRDO साहब का और तमाम डॉक्टर्स का और हमारे साथी कॉर्पोरेटर्स का शुक्रगुजार हूँ। और आज हम ये स्कीम लॉन्च करेंगे जिससे कई गरीब लोगों को फ़ायदा होगा। अगर इससे और कोई आपको और फ़ायदा चाहिए कोई दूसरे गवर्नमेंट की स्कीम्स में अगर आपको चाहिए तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। मैं हर रोज़ सुबह के 10 बजे से लेकर 2 बजे तक दारुसलाम में मौजूद रहूँगा। मेरा फ़ोन नंबर इंशाल्लाह हम पूरा आम करेंगे, जिसको भी मुझसे रब्ता करना है बेशक मैं फ़ोन पे भी रिस्पॉन्स दूंगा। सुबह में 10 बजे से लेकर 2 बजे तक मैं दारुसलाम पे अवेलेबल रहूँगा। फिर उसके बाद हमारी जो विजयनगर की ऑफिस है वहाँ पे मैं करीबन 3 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आवाम के लिए अवेलेबल रहूँगा। अगर कोई भी किसी की भी कोई तकलीफ है या किसी कोई परेशानी है जिसको आप जानते हैं मेरे से रबते में लाइए। हम इंशाल्लाह ये 5 साल में बहुत काम करेंगे, लोगों के तवक्कात पे ठहरेंगे, आप और हम मिलकर काम करेंगे और जो लोग हमसे उम्मीद जताकर इस हॉस्पिटल में आते हैं हम कोशिश करेंगे कि हम उनकी उम्मीद पे खड़े उतर सकें और हम मिलकर काम कर सकें। और सबसे फिर से आप तमाम का शुक्रगुजार कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया और यहाँ पे इसलिए स्कीम को लॉन्च किया। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।
आई है।